नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपका गुड लक राशिफल सर बेस्ट प्रोडक्ट पर। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं राशि अनुसार उपाय। प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताएंगे पंचांग, उसके बाद आपको बताएंगे आज का गुड लक उपाय। प्रोग्राम के बीच में आपको बताएंगे बर्थडे का गुड लक उपाय। प्रोग्राम के लास्ट में आपको बताएंगे आज का महा गुड लक उपाय। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन उससे पहले आपसे बात करते हैं आज के पंचांग की। आज रविवार का दिन है, तारीख है 3 नवंबर 2019। कार्तिक शुक्ल सप्तमी पर चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। राहु काल रहेगा शाम को 4:09 से लेकर शाम को 5:31 तक। सर्वार्थ सिद्धि हो गए सुबह 6:38 से लेकर रात को 12:56 तक। विशेष क्या है, भानु सप्तमी है। तो चलिए अब जानते हैं आज का विशेष उपाय क्या है। सूर्यदेव को तांबे के कलश से अर्घ दे दीजिए, इससे जो बचा हुआ जल उससे आंखें धो लीजिए, इससे नेत्र विकारों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि की। किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, प्रेम के नजरिए से दिन बेहतर है। मैरिड लोगों को जीवन साथी की तरफ से अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा और उपाय के तौर पर सौंफ के दाने कपूर से जला दीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा, नए लोगों से मुलाकात आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को नए और बेहतर मौके मिलेंगे। सहकर्मियों के सहयोग से सफलता मिल सकती है और उपाय के तौर पर क्या करें, आप चावल के दानों पर लाल चंदन लगाकर तिजोरी में रख लीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 3 मिथुन यानी जमनाई की। किसी करीबी से मन की बात कहने के लिए अच्छा दिन है। प्यार के मामले में परिजनों से सहयोग मिलेगा। किसी झगड़े में न उलझें, कारोबार में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। उपाय के तौर पर क्या करें, पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। आलस्य के चलते जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं, परिवार के बीच समय बीतेगा, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कोई विवाद हो सकता है। उपाय के तौर पर क्या करें, 10 रुपये का नोट सिरहाने रखें। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। रुकावटों का समाधान निकलेगा, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं, आज आप सही समय से भोजन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करें, मेहरून शेड के कपड़े पहने। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की। आज मन में किसी बात को लेकर पूरे दिन आप प्रसन्न रह सकते हैं, किसी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, जीवन साथी का सहयोग हर काम में मिलेगा आपको। और उपाय के तौर पर क्या करें, जीरा से बने पकवान खाएं। तो फ्रेंड्स अब टाइम है आज के बर्थडे गुड लक का। क्या करें, हम सूर्यदेव के निमित्त तांबे के दिए में गाय के घी का दीपक करें, इससे दुखों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। बिजनेस की नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, पिता से आर्थिक सहायता मिल सकती है, प्रोफेशन में कुछ नया करेंगे, परिवार के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। और उपाय के तौर पर क्या करें, आज बाजार से थोड़ा गुड़ खरीद लीजिए। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। किसी के साथ भी बहस करने से बचें आप। कोई भी नए काम को करने से पहले घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर लें, जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का। और उपाय एक छोटा सा करें, पूर्व मुखी होकर घर से निकलें। बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। करियर की प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है, अधूरे काम निपटाने में आपको सफलता मिलेगी, कारोबार में बड़ा लाभ हो सकता है, पैसे का नया रिसोर्स मिलेगा, आपकी सलाह लोगों के काम आएगी। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, हरे पेड़ पर लाल पीले फूल चढ़ाएं। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉन की। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉन की। पैसे सोच समझ कर खर्च करें, काम का बोझ बढ़ सकता है, पारिवारिक मामलों में कुछ उलझन हो सकती है, आज जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। उपाय एक छोटा सा करें, धार्मिक चित्र पर गुड़ और मुरमुरे चढ़ाकर दान कर दीजिए। बात करते हैं ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि अक्वेरियस की। बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बन सकती है, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, निवेश किया गया पैसा आपको बड़ा फायदा दे सकता है। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, लाल पीले शेड के कपड़े पहने। बात करते हैं बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की। सोचने के तरीके में बदलाव आ सकता है, आज सामाजिक समारोह में इज्जत मिल सकती है, दोस्तों के साथ अधिक समय बिता पाएंगे, परिवार में किसी नए काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उपाय के तौर पर क्या करें, किसी गरीब कन्या को सेव दान करें। तो फ्रेंड्स अब समय आज के महा उपाय का। क्या करें, आप भगवान सूर्य नारायण पर चढ़े 7 खजूर किसी ब्राह्मण को दान कर दें, इससे गरीबी से मुक्ति मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें। तक नमस्कार।